अयोध्या से है, जहां नगर निकाय चुनाव 2023 की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में अपना परचम लहरा दिया है। धर्मनगरी अयोध्या में भी तमाम कयासों को विराम देते हुए एक बार फिर से भगवा ध्वज लहराया गया है। बीकापुर नगर पंचायत क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राकेश पांडे राणा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा प्रत्याशी लालमणि निषाद को कड़ी टक्कर देते हुए 331 मतों से पराजित किया। बता दें 11 वार्ड में हुई मतगणना के दौरान आखिरी चरण में भाजपा के प्रत्याशी राकेश पांडे राणा ने 2090 मत पाकर पहला स्थान प्राप्त किया, जब वहीं दूसरी तरफ बसपा प्रत्याशी लालमणि निषाद को 1769 मत मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जुग्गी लाल यादव को 1565 मत प्राप्त हुए, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को 829 मत प्राप्त हुए। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए नव निर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश पांडे राणा ने बताया, 19 साल बाद बीकापुर नगर पंचायत में कमल का फूल खिला है। उन्होंने कहा, क्षेत्र की जनता ने जो हमको जनादेश दिया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले दिनों में नगर पंचायत बीकापुर को एक आदर्श नगर पंचायत बनाने का काम करेंगे। इस दौरान राकेश पांडे राणा को जीत का प्रमाण पत्र भी दिया गया। भाजपा के विधायक अमित सिंह ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत भी किया और इस अवसर पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता के साथ कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी काफी गर्मजोशी के साथ अपने जीते हुए प्रत्याशी का स्वागत किया। पांडे अमर सिंह चौहान पीछे वाले और पीछे चला हो ये भैया स्पेस दिया साहब नया होता पीछे चला जाता आगे आप पकड़ो पकड़ लिया खराब हुआ ना। अरे आप हमारा आज का दिन नहीं है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। जो हम नारा देते थे कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बीकापुर में बनने जा रही है, आज वो मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के सभी वार्डों की जनता को जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके दिया। निश्चित ही जो भ्रष्टाचार यहाँ पे कई वर्षों से बीकापुर नगर पंचायत में व्याप्त था और जनता इसे त्राईमाम बोल चुकी थी कि इस बार समाजवादी पार्टी चाहे अन्य दल हो उनको हटा के यहाँ पे एक स्वच्छ ईमानदार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाना है। मैं उनका ऋणी रहूँगा सभी सम्मानित पूज्य देवतुल जनता का जिन्होंने एक एक अपना अमूल्य वोट दे के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राकेश पांडे राणा जी को एक अच्छे अंतर से यहाँ जिताने का काम किया। और हम लोग अब जो वादा लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग निकलते हैं कि हर वार्ड में चाहे वो गली की समस्या हो, नाली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, विद्युतीकरण की समस्या हो, हर समस्या से हम लोग लड़के और एक वार्ड को एक अच्छा वार्ड बनाने का पूरा काम करने जाएंगे। जनता पार्टी ने छोटे पद पर रहते हुए मंडल अध्यक्ष रहते हुए हमको प्रत्याशी बनाया दोबारा और पूरे जनता का सहयोग मिला। आज मैं चेयरमैन बना हूँ 20 साल की तपस्या और भारतीय जनता पार्टी का योगी मोदी का काम का योगदान, माननीय विधायक जी का पूरा योगदान था हमको जिताने में, पूरे इन्होंने मदद किया, मेहनत किया क्षेत्र में, हम चुनाव जीते हैं। जनता चाहते हैं उनका पूरा सहयोग करेंगे, बीकापुर नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाएंगे। जय हिंद।